स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी कुछ खबरें जो लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो पहली खबर हम लेकर आए हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से। खेसारी लाल यादव, आप लोगों के ये खबर ज़रूर मिली होगी कि अक्षरा सिंह के साथ उनकी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है बबुआ बवाली। हालांकि इस फिल्म के लिए अभी तक अक्षरा और खेसारी ने हामी नहीं भरी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि दोनों ने इस फिल्म को एक साथ करने के लिए हाँ कर दिया है और दोनों एक साथ बहुत जल्द आप लोगों को फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग यूपी और मुंबई के खूबसूरत लोकेशन पर शूट करने के लिए सोचा गया है। फिल्म का नाम है बबुआ बवाली, तो बवाल बहुत कुछ होने वाला है इस फिल्म में। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी और इस फिल्म के दोनों स्टार कास्ट अक्षरा सिंह और खेसारी से जुड़ी एक खास खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल जोड़ी खेसारी और अक्षरा इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन दोनों ही इन दिनों अपनी अलग अलग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में खेसारी और अक्षरा की जोड़ी से बनी भोजपुरी फिल्म बबुआ बवाली की खूब बातें इंडस्ट्री में चल रही हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले कुछ ऐसी ही बात एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल दोनों को इस फिल्म के लिए साइन तो पहले ही कर लिया गया था, लेकिन दोनों ने अभी तक इस फिल्म में साथ में काम करने के लिए हामी नहीं भरी थी और अब दोनों ने इस फिल्म को साथ में करने के लिए हाँ भी कह दिया है। जी हाँ, बीते दिन पहले ये खबर सुनने को मिली है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया है। इसके साथ ही खेसारी काजल की फिल्म पलम लव यू में भी अक्षरा सिंह का एक प्रमोशनल सॉन्ग आप सभी को देखने को मिलने वाला है, जो किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। वेल, जाते जाते बता दें कि अक्षरा और खेसारी की फिल्म की शूटिंग यूपी और मुंबई में जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। दिलवाला फिल्म खेसारी और अक्षरा की आखिरी फिल्म थी, जिसके पहले रिलीज होने से पहले खुद खेसारी ने अपने इंटरव्यू में ये बात रखी थी कि मुझे नहीं लगता अब अक्षरा मेरे साथ काम करेंगी और मुझे नहीं लगता कि अब हम दोबारा दर्शकों को नजर आ पाएंगे एक साथ। लेकिन खेसारी ने जिस निराशा के साथ ये बात कही थी, उतनी ही अब खुशी उन्हें और उनके फैंस को होगी, क्योंकि अक्षरा ने एक बार फिर से खेसारी के लिए के साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया है। तो बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो बैरी कंगना 2 से जुड़ी हुई है। बैरी कंगना 2 में सपना चौधरी का प्रमोशनल सॉन्ग होने वाला था, जिसकी शूटिंग के समय से ही ये गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। दर्शक लोगों को सपना चौधरी के इस भोजपुरिया अंदाज और लटके झटकों का इंतजार था, जो अब रिलीज हो गया है। जी हाँ, एंटरटेन म्यूजिक पर इस फिल्म का पूरा जो ये गाना है, सपना चौधरी का प्रमोशनल सॉन्ग है, उसका वीडियो सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। भोजपुरी गाने पर सपना के डांस को दर्शकों ने खूब पसंद किया है, तो हम सपना चौधरी के इस प्रमोशनल डांस से ही जुड़ी एक खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्म बैरी कंगना 2 13 जुलाई से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसे देखने दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने के लिए बहुत कुछ खास है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में ही सपना चौधरी का एक भोजपुरी गाने पर प्रमोशनल डांस भी है, जो शूटिंग के समय से ही चर्चाओं में बना हुआ था। जी हाँ, दरअसल सपना चौधरी ने भोजपुरी गाने पर पहली बार परफॉर्मेंस दी है, जो वीडियो सॉन्ग के रूप में एंटरटेन म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल से रिलीज कर दिया गया है। इस गाने के बोल हैं मेरे सामने आके, जिसे 22 घंटे में 1,00,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। अभी तक हरियाणा में अपने डांस और जलवों से लोगों को दीवाना बना देने वाली सपना भोजपुरी दर्शकों को कितना प्यार पा पाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि खेसारी के साथ सपना का स्टेज शो जल्द ही दिल्ली में होने वाला है। इसके साथ ही बैरी कंगना के अलावा सपना और भी किसी एक भोजपुरी फिल्म में प्रमोशनल सॉन्ग कर सकती हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है सपना का ये भोजपुरी अवतार, तो जल्दी जाइए देखिए। कैसा लगा जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे, जान लेते
चलते हैं अगली खबर जो जुड़ी है इंडस्ट्री की क्वीन रानी चटर्जी से। रानी चटर्जी ने अभी तक इंडस्ट्री को ना जाने कितनी सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और अपने सुपरहिट प्रदर्शन के चलते ही वो इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री से जुड़े दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय होती गई। देखिए कई सारी हीरोइनों की एंट्री जरूर हुई होगी इंडस्ट्री में जिन्होंने नाम पाने के लिए, नाम फेमस करने के लिए बोल्डनेस के रिकॉर्ड तोड़े, किसिंग के रिकॉर्ड तोड़े, बिकनी अवतार में दर्शकों का ध्यान खींचा। लेकिन रानी चटर्जी एक लौती ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने अपने अंदाज के बोल्डनेस से दर्शकों का, भोजपुरी दर्शकों का दिल जीता। पारिवारिक फिल्म की इनकी स्टार्टिंग थी जिससे दर्शकों ने पसंद किया था और उसके बाद रानी आज तक कई सारी फिल्में अलग अलग अंदाज में कर चुकी हैं। लेकिन आजकल रानी काम के चलते और इस मौसम के बदलाव के चलते बीमार पड़ गई हैं और हाल ही में उन्होंने स्टेटस भी डाला है नॉट वेल, तो उनके फैंस की सुबह से कतारें लगी हुई हैं उन्हें गेट वेल सून कहने के लिए और अपना ख्याल रखो। तमाम दर्शकों ने उन्हें ये बात कही है कि अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। तो हम रानी चटर्जी से जुड़ी एक खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए। भोजपुरी फिल्मों की क्वीन रानी चटर्जी इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक के बाद एक आपको रानी की कई सारी फिल्में सिनेमाघरों में देखने को भी मिलेंगी। वेल फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि रानी जितनी एक्टिव अपनी फिल्मों को लेकर रहती हैं, उतना ही वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और इतनी सारी टेंशन झेलते झेलते रानी पड़ गई हैं बीमार और कुछ दिनों के आराम के बाद फिर से रानी शुरू कर देंगी अपनी फिल्म की शूटिंग। वेल जानकारी के लिए बता दें कि आगरा में रानी अपकमिंग फिल्म जीरो बनल हीरो की शूटिंग कर रही थी जहां तेज धूप और भीड़ के चलते रानी बीमार पड़ गई हैं। हाल ही में रानी ने ये बात फेसबुक से भी साझा की है जहां उनके फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की और स्वस्थ रहने की दुआ दी है। इसी से पता चलता है कि रानी को चाहने वाले उनके फैंस उनसे कितना प्यार करते हैं। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो अरविंद अकेला कल्लू से जुड़ी हुई है। अरविंद अकेला कल्लू अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी गायकी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। बचपन से ही इन्होंने अपनी गायकी से बिहार के दर्शकों में अपनी पहचान बनाई और अब जैसे ही ये जवान हुए तो इन्हें युवा स्टार का खिताब भी इंडस्ट्री में मिल गया। कल्लू का शुभ विवाह का गीत हाल ही में उनके ऑफिशियल चैनल से रिलीज हुआ है कल्लू एंटरटेनमेंट से और ये पहला उनका शिव विवाह सॉन्ग है। पहली बार उन्होंने शादी ब्याह के गीत गाए हैं तो आप लोग भी कल्लू के एंटरटेनमेंट ऑफिशियल चैनल पर जाकर इस गाने को जरूर सुने, कैसा लगा जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल हम कल्लू के इस गाने में क्या कुछ नया और खास है इससे जुड़ी एक खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी गानों के लिए और अपनी फिल्मों के लिए दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाले अरविंद अकेला कल्लू इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं, क्योंकि एक तरफ जहां उनका फिल्टर के पानी गाना सोशल मीडिया पर छाया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ उनके बोलबम का गाना भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू अपने श्रोतागणों को हमेशा कुछ नया सुनाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। इसके लिए कल्लू खूब मेहनत भी करते हैं। एक बार फिर से उनकी यही मेहनत रंग लाने वाली है क्योंकि का एक भक्तिमय गीत रिलीज होने जा रहा है। पारंपरिक और देसी माटे की महक से सरोबार होगा ये गाना और कल्लू का ये गाना शिव विवाह पर आधारित है जो गांव में अक्सर महिलाओं और बुजुर्गों की पसंद बना रहता है। इस एल्बम की रिकॉर्डिंग बीते दिन पहले कल्लू ने कर ली है लेकिन देखना अभी बाकी है कि रिलीज कब होगा। वेल जाते जाते बता दें कि कल्लू का ये गाना उन्हीं के ऑफिशियल चैनल कल्लू ऑफिशियल से रिलीज किया जा रहा है तो देखना ना भूले, जल्द ही रिलीज होगा। खबर जो पवन खेसारी और काजल से जुड़ी हुई है। हाल ही में तीनों ने एक साथ स्टेज शेयर किया था जिसके डांस का वीडियो हाल ही में वेब म्यूजिक पर दो वीडियो रिलीज हुए और उन दोनों वीडियो को दर्शकों ने इतना प्यार दिया है कि व्यूज के मामले में ये गाना बहुत अच्छा और आगे चला गया है। काजल राघवानी कभी पवन के पास जाती तो कभी खेसारी के पास जाती है, वो कर भी क्या सकती थी बेचारी, दो दो हीरो और एक हीरोइन के बीच में तो वो फंस ही गई मानो। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जोड़ी आप लोगों को फिल्मों में भी ठीक ऐसे ही काजल के फंसते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल इन तीनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया है, इससे जुड़ी एक खास खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी बहुत ही जल्द एक भोजपुरी फिल्म मलम जी लव यू में नजर आने वाले हैं। हालांकि दोनों इससे पहले भी कई फिल्मों में एक साथ नजर आ चुके हैं। वहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह एक साथ एक गाने में नजर आने वाले हैं, जिसका ऑडियो सॉन्ग रिलीज किया गया है। साथ ही इन दिनों पवन सिंह खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये तीनों एक साथ किसी कार्यक्रम में नजर आए। इसी महीने 2 जुलाई को YouTube पर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड द्वारा अपलोड किए गए इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में पहले पवन सिंह और खेसारी स्टेज पर एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, फिर पवन सिंह काजल को भी स्टेज पर बुलाते हैं और फिर वो खेसारी लाल के साथ मिलकर काजल के लिए गाना भी गाते हैं। वहीं पवन और खेसारी लाल की मस्ती के बीच काजल बहुत ही शांत नजर आई और चुपचाप बस स्माइल देती रही। बता दें कि इन दिनों खेसारी लाल यादव की कई भोजपुरी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार है। खेसारी लाल की इन फिल्मों में सबसे ज्यादा चर्चा दबंग सरकार की है, क्योंकि इस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने जबरदस्त बॉडी बनाई है। दबंग सरकार को भोजपुरी सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। भोजपुरी के सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। चलने का समय हो चुका है, अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही सुपरस्टार से जुड़ी खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।